एक शख्स हजरत इमाम अली अलैहि सलाम की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, मुझे सोचने की बीमारी है। दिन रात सोचता रहता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इधर उधर की बातें ना सोचूं, लेकिन फिर भी मेरा अपने दिमाग पे काबू नहीं। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, शख्स, तुम्हारा इस बीमारी से भागना ही तुम्हारी इस बीमारी का सबब है। याद रखना, अल्लाह ने इंसान के दिमाग को कायनात से जोड़े रखा है, लेकिन अफसोस तो ये है कि बाद मर्तबा इंसान आज में नहीं जीते और यूं मुस्तकबिल और माजी की यादें वो सोचते रहते हैं और रफ्ता रफ्ता उनका दिमाग इस आदत का आदि बन जाता है। ऐ शख्स, आज से अपने आप से वादा कर लो कि आज में जियोगे और दिन का एक मखसूस वक्त असर से लेके सूरज गायब होने के बीच में मखसूस कर लो कि इस वक्त बैठ के हर वो बात मैं सोचूंगा जो मेरा दिमाग मुझे सोचने पर मजबूर करता है। और यूं जब तुम पूरा दिन गुजारोगे, जब जब तुम सोचना चाहो तो अपने आप को याद दिलाओ कि तुमने तो सोचने का वक्त असर और मगरिब के बीच में रखा है। यूं रफ्ता रफ्ता तुम्हारा दिमाग उस वक्त में सोचने पे कैद हो जाएगा और फिर इस सोचने के वक्त को तुम और भी कम करते जाओगे, लेकिन ये तब होगा जब तुम आज में जियोगे, क्योंकि इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की तरफ से इंसान को मिली है वो आज है। गुजरता हुआ वक्त जिसको इंसान जिस तरह से चाहे गुजार सकता है, और इसी आज का गुजरते हुए वक्त का तुमसे रोजे महशर हिसाब लिया जाएगा। ऐ शख्स, अपने मसाइल से जितना भागोगे उतने ही तुम्हारे मसाइल बढ़ते जाएंगे, और जितना अल्लाह पे यकीन रख के अपने मसाइल को खत्म करने की कोशिश करोगे तो कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे दिमाग से जुड़ के अल्लाह के करम से तुम्हारे मसाइल खत्म करने लगेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलक और मजहब के रिश्ते मौजूद हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं, शादी का फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हासिल करें। आप अपने लिए एक अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान अली जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे।